हेलो, मैं आज आपको बताने वाला हूं मनोरुग्ण जो है उनको जो एक बीमारी रहती है, एक लक्षण रहता है कि जिससे वो मनोरुग्ण है करके पहचाना जाता है, और वो है हेलुसिनेशंस, मतलब भ्रम। तो व्यक्तियों को भ्रम होते रहता है। वो भ्रम क्या है कि उनको कानों का भ्रम होता है, बहुत सारे केसेस में कानों का भ्रम होता है। और भ्रम ऐसा होता है कि भाई लोग मुझे मारने आ रहे हैं, देखो मुझे आवाज आ रही, देखो देखो आने वाले, ऐसा उनको आवाज आती है। या फिर लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं आपस में, तो हम जब उनको पूछते हैं कि भाई कहाँ लोग हैं, कौन से लोग हैं, उनको लगता है मुझे तो आवाज सुनाई आ रही है और वो अननोन लोग हैं, मैं उनको पहचानता नहीं, मगर कुछ लोग हैं कि जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं और मुझे बात का बराबर सुनाई आ रहा है, मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो ऐसा उनको भ्रम होते रहता है। कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि भाई मेरे खाने में कोई लोग मिला रहे और कुछ पॉइजन मिला रहे, और पॉइजन मिला के मुझे वो जहर मिला है, और जहर से मुझे वो मार डालेंगे। या कुछ लोगों को ये भ्रम होते रहता है कि लोग उसको दिखते हैं, विजुअल हेलुसिनेशन जो बोलते हैं, विजुअल हेलुसिनेशंस, मतलब उनको आंखों का भ्रम होता है और उनको ये लगता है कि नहीं मुझे देखो देखो वो आ रहे मार रहे मार रहे मार, वो मेरे को मारेंगे, वो मेरे को सब लोग बहुत सारे लोग आ रहे वो मार रहे। तो ये जो है विजुअल हेलुसिनेशन, मतलब आंखों का जो भ्रम है, वो साधारणता जो है अपने शराबी जो लोग रहे थे और उनकी शराब बंद हो जाती है, मतलब शराब का व्यसन जब बंद हो जाती है तो उनको ये आंखों का भ्रम ज्यादा रहता है, कानों का और आंखों का दोनों का भ्रम। और स्किजोफ्रेनिया जो बीमारी है उसमें भी कानों का भ्रम रहता है। कुछ लोगों में ये भ्रम रहता है कि वो मुझे कुछ तभी गंदी बांस आ रही है, या मुझे मेरे मेरे मुंह की बांस आ रही है कुछ, या मुझे आसपास ऐसी गंदी बांस आ रही है, कुछ तभी चालू है आसपास में। या कुछ लोगों को यह भ्रम रहता है कि मेरी चमड़ी के नीचे कोई कीड़े चल रहे हैं, चमड़ी के ऊपर कीड़े चल रहे हैं, और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, और उसको कीड़े दिखते भी है कभी कभी, मतलब वो भ्रम होते रहता है। तो ये सब हेलुसिनेशंस है, ये भ्रम की बीमारी है। और ये बीमारी कैनाबिस, मतलब भांग जब लेते हैं तो उनको हो सकती है, शराबी लोग है, शराब व्यसनी जो है उनको हो सकती है, स्किजोफ्रेनिया की जो पेशेंट है उनको हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग मनोविकार में ये बीमारी भ्रम की होती है। इसके ऊपर इलाज है, जो बीमारी के कारण ये लक्षण दिखाई देता है तो वो बीमारी का इलाज करना पड़ता है। जैसे शराब है, शराब व्यसन है, शराब का आदि हो गया तो उसका इलाज करना पड़ेगा। भांग का व्यसन है, उसकी वजह से हो रहा तो उसका भी इलाज करना पड़ेगा। स्किजोफ्रेनिया की बीमारी है, मनोरुग्ण है, तो स्किजोफ्रेनिया का इलाज करना पड़ेगा। तो ये बीमारी अच्छी हो सकती है और वो व्यक्ति सामान्य जीवन फिर से जी सकता है। तो आप ये जरूर लोगों को बताइएगा इसके बारे में, आपके आसपास कोई लोग है जिनको ऐसी बीमारी है तो उनको ट्रीटमेंट के लिए उनको प्रवृत्त किया जाए ताकि वो अच्छा जीवन जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।